अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जिला पुलिस का सर्च अभियान। एसपी चूनाराम जाट पहुंचे हाई सिक्योरिटी जेल, भारी पुलिस लवाजमे के साथ हाई सिक्योरिटी जेल में चलाया सर्च अभियान। जेल में बंद कैदियों की बैरकों की मशीनों से की गई जांच, किसी विशेष इनपुट के चलते एकाएक सर्च ऑपरेशन का बना प्लान, लेकिन नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। अजमेर में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिला पुलिस विशेष सतर्कता बरतते हुए बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी के तहत जहां पिछले दिनों 3 हत्याओं को अंजाम देने के लिए भरतपुर से मंगाए गए शार्प शूटर की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं सोशल मीडिया पर धमकाने वाले वीडियो अपलोड करने के मामले में हैदराबाद से बदमाश आशीष सोनी को गिरफ्तार किया गया, जिसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आज उसका रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश कर फिर से 3 दिन तक का रिमांड लिया गया है, जिसे पता चलता है कि पुलिस को आरोपी से कोई खास इनपुट मिला है। इसी के तहत आज जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के नेतृत्व में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अचानक सर्च अभियान चलाकर जेल के प्रत्येक बैरक की मशीनों के द्वारा तलाशी ली। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि लगभग घंटे भर तक चले अभियान के दौरान प्रत्येक बैरक की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं जेल में सजायाफ्ता और हार्डकोर अपराधियों की डिटेल जुटाई जा रही है कि उनके किन किन से लिंक हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जेल का सर्च किया है, निरीक्षण किया है, कोई आउटपुट मिला है, इसलिए आप आए हैं। आज जो हाई सिक्योरिटी जेल का है वो आकस्मिक निरीक्षण है, वो किया गया है हमारे जो सिटी के सीईओ है और एसएचओ है उनके साथ मिलकर के, क्योंकि अभी चुनावी टाइम के अंदर किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए और जो हमारी रेगुलर जो आकस्मिक निरीक्षण होते रहते हैं उसको देखते हुए आज सर्च किया गया। किस तरह की सर्चिंग था, कुछ मिला या नहीं मिला? हमने लगभग सभी बैरक हैं उनकी सर्च की है और यहाँ हमने जो मशीन से हैं उनके थ्रू सर्च किया है, किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज़ है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसमें जो है जेल में हार्डकोर अपराधी के साथ साथ कई ऐसे अपराधी हैं जिनका अलग अलग गैंग से ताल्लुक है, आपने भी यहाँ पे एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़े हैं, उनसे कोई संपर्क अंदर मिला हो या कोई आउटपुट मिला हो जिसके चलते आप आए हो? हमने यहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी जेल है इसका आकस्मिक निरीक्षण किया है कि यहाँ कोई संदिग्ध वस्तु और जो है वो उसको सर्च करने के हिसाब से आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली। गिरफ्तार किया था, आज उसे वापस पेश किया। फेसबुक पे जो धमकी और जो नोट लिखा था आकाश सोनी को थाना गंज पे गिरफ्तार किया गया था, जिसकी पूर्व में भी पीसी रिमांड लेके पूछताछ चल रही है। आज भी उसको दिनांक 20 तारीख तक पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिससे उसके संपर्क सूत्रों, पूर्व के जो भी उसके अपराध का रिकॉर्ड है, उनके जो साथी हैं, नए साथी इन दिनों में कौन बने हैं, इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। और आगे भी 3 दिन में जो भी उनके हैं हथियार वगैरह कहाँ से खरीदते हैं, कौन उनको सप्लाई करता है, कौन सहयोग करता है, इन सब के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। अभी तक सर इसमें कुछ निकल के आया है अब तक की पूछताछ में? पूछताछ में उनके कई साथियों और उनके बारे में जो बातें बताई हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। इसके लिए वेरीफाई के लिए और भी टीमें भेजेंगे मथुरा और भरतपुर के लिए।